गाइस ये देखें हमारी टंकी पे कबूतर आके बैठा है, पट्ठा है काबली, पकड़ो। पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस देखें दोपहर के बज रहे हैं 3 और आज हम लोग अपने बहुत सारे जो मैं लेकर आया हूँ ना सारे के सारे कबूतरों को नहान देने के लिए, क्योंकि असल में थोड़े से गंदे हो रहे हैं और यार बड़ी कड़क धूप निकली हुई है यार। आज यकीन मानो आपको मेरे चेहरे से आइडिया हो रहा होगा। फिलहाल जो है ना फटाफट आपको मैं सारे के सारे कबूतर दिखाता हूँ, आ जाओ। देखो माशाल्लाह से मैं कितने सारे कबूतर लेकर आया हूँ। आह आह अभी सारे के सारे कबूतर बाहर आएंगे। आह 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 चार हमारे पर वाले कबूतर। अरे बाहर दाना डाल। असल में दोपहर का टाइम है ना, इस वजह से वो सोच रहे हैं ये वाला तो हमारा टाइम नहीं है खुलने का। ये देखो भाई पर भी मैंने कबूतरों के खोले में भाई, माशाल्लाह से हमारे सारे के सारे कबूतर। ये वाला बहुत प्यारा कबूतर है। असल में जिनसे मैंने कबूतर लिए ना उसमें अच्छे खासे कबूतरों के ना पर कटे हुए थे, इस वजह से मैंने उनके पर खींचे हैं, तो अब जो है ना इनके नए पर आना शुरू होंगे। बिला वजह उसने ना पर काट के इनको रखा हुआ था, तो फिलहाल जो है ना अब इंशाल्लाह मैं पर आने का इंतजार कर रहा हूँ। इनके सबके जैसे ही पर आएंगे आज़ाद कर देंगे हम। और अभी आपको पता नहीं है इसमें से हमारे दो कबूतर भाग भी चुके हैं। जो कल परसों मैंने जो दो कबूतर पकड़े थे ना उनमें से एक हरा कबूतर यार भाग गया। कि आपको पता है डेली व्लॉग तो मैं बनाता नहीं हूँ, उस वजह से ना कल अरीब लोगों ने कबूतर खोले थे तो वो लोग बता रहे हैं सीधा यहाँ पे बैठा, यहाँ से उठा और ये 211 कौन सी बस पे बैठ के गए? 212 वाली। अभी हमारे पास देखो ये कबूतर हैं, इनमें से अभी 5 कबूतर हमारे कम हैं क्योंकि 2 भाग गए और 3 को मैंने सेल आउट कर दिया। तो गाइस आज हम लोगों को करना है 2-3 काम। एक तो इन सबको नहला धुला के बिल्कुल साफ सुथरा चमकदार कर देना है। अभी देखिएगा इंशाल्लाह ये लोग खुद नहाएंगे, क्योंकि धूप ऐसी कड़क कड़क हो रही है ना, इनके सामने मैं पानी वानी रखूंगा फिर देखते हैं ये नहाते हैं कि नहीं नहाते। अच्छा और हमें दूसरा काम ये करना है। अरीब ये देखें पूरी छत की सफाई कर रहा था, यहाँ पर पूरी छत की गंदी सी हो गई ना बड़ी, तो फिर मैं आ गया, मैंने बोला अभी रुक जाओ मैं भी तुम्हारे साथ सफाई करवाता हूँ। देखें यार पिंजरा कितना गंदा हो गया, देख रहे हैं आप। बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है। ये वाला भी देखें बहुत टाइट कबूतर है, सबस शेराजी, ये पता नहीं कौन सा चांदना वानना खिलाता है मेरे ख्याल से। ओए 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 अबे इसके इतने पर कम कम है लेकिन जो है ना उसपे भी उड़ता है। गाइस आप लोग कमेंट में बताएं ये वाला कौन सा कबूतर है, बड़ा प्यारा कबूतर लगता है मेरे को। अरीब चलो नहाने के लिए इनको पानी निकालो फटाफट, इसमें नल में पानी आ रहा है। ओ शुक्र है भाई आ रहा है, वरना टंकी में काफ़ी कम पानी हो गया, मैं सोच रहा था नहीं आ रहा होगा। भाई इस जगह पे मैं झाड़ू मार देता हूँ पहले ही, इस जगह पे लोग पानी पानी कर देंगे। अभी जो बोला था बस तुम बात कर लो, बोल देना। तो गाइस देखें अरीब जा रहा है वहाँ पर कुंडाली रखने के लिए, और थोड़ा अरीब इधर 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 कर थोड़ा सा बीच में, हाँ पानी भर दो इसमें। हाँ 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 इनका स्विमिंग पूल रेडी हो रहा है भाई माशाल्लाह से। ओए होए 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 अरीब वो कहाँ है, फिटकरी कहाँ है? गाइस देखें ये है फिटकरी, से हमें थोड़ा सा आधा पीस चाहिए होता है, ये इतनी बड़ी है लेकिन बहरहाल ये डाल देते हैं इसमें। इस फिटकरी को डालने से असल में सीन ही होता है कबूतर एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, यूं करके हाथ लगाओ तो सिल्की सिल्की इन पर मट्टी नहीं टिकती है। चलो भाई अब देखते हैं कि कबूतर कब नहाना स्टार्ट करते हैं। खामोशी से साइड में हो जाओ, आ जाओ। ओ भाई साहब भाई हमारा देखो बॉडी बिल्डर दोस्त आ गया है सामने खड़ा हुआ है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, बहुत शर्मा रहा है, भाग गया। कबूतर ने आना स्टार्ट कर दिया है। ओए होए ओए होए नहाना स्टार्ट कर दिया भाई माशाल्लाह से। देखें सारे के सारे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग पूल समझ रहे हैं उसको। अब नहा कर समझ लें इसे साफ सुथरे हो जाएंगे ना कबूतर, यकीन करें इनको नहाता देख के आपके भाई का भी दिल चाह रहा है, क्योंकि भाई बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, फुल पसीने पसीने हो रहा हूँ मैं। आह 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 जो इसके अंदर मैंने फिटकरी डाली है ना वो ऑटोमेटिक थोड़ी देर में घुल जाएगी। आह 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 जंगली भी आ रहा है, ये बड़ा प्यारा कबूतर लगता है मुझे सबस शेराजी। गाइस देखें अभी कोना कितना गंदा हो रहा है ना, देखें मैंने एक मैजिक सीखा है, ये देखें चुटकी बजा के बिल्कुल साफ कर दूंगा मैं।
सो गाइस इट्स मैजिक। आपको इसके अंदर बादल बादल नुमा पानी में कुछ दिख रहा है? ये कबूतरों की मेल आ गई है भाई, ये फिटकरी ने सारी की सारी मेल खींच ली है। तो चलें इसको फाइनली फेंक देते हैं यहाँ पर। वो डर गया भाई, इसको इस तरह से खड़ा कर देते हैं ताकि सारा का सारा पानी निकल जाए। पूरी की पूरी छत की देखो नीट एंड क्लीन सफाई हो चुकी है। हमारे सारे के सारे कबूतर सूख चुके हैं। अब इनको सूखने के बाद लग रही है भाई भूख। ये मुझे इसका आइडिया हो रहा है क्योंकि हम लोग भी नहाते हैं तो आपको पता है कैसी भूख लगती है नहाने के बाद। फटाफट इनको दाना खिला के चेक करते हैं क्या ये भूखे हैं कि नहीं है। ये रहा दाना, चेक करता हूँ। आ आ आ देख रहे हैं आप कैसे भूखे। नहाने के बाद भाई बहुत टाइट भूख लगती है। ये इंसानों के साथ भी होता है और जानवरों के साथ भी होता है। मंड के खा रहे हैं माशाल्लाह से। तो गाइज हमारा जूस आ चुका है, फटाफट इस जूस को पीते हैं फिर कबूतरों को उड़ाते हैं। अटाइड अबे उसको कहा उड़ा दिया परकटे को, उसके भी पर बिल्कुल भी सही नहीं है लेकिन फिर भी उड़ रहा है वो। तो बंद कर दो, पकड़ो। पकड़ लिया। तो गाइज इसको जो है ना बंद कर देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि कबूतर हम लोग उड़ा रहे हैं और इसके पर बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये बाहर गिर गया ना तो इसको बिल्ली बिल्ली ले आएगी, इस वजह से इसको बंद कर रहे हैं। अरीब देख ऐसे वैसे उड़ाना जैसे तावे देते हैं। अरीब डंडा उठा रहा है अभी। बस आ जाओ, अबे सामने आके बैठ गए, वो नीचे उतर गया। वो देखो भाई आ गए सारे के सारे हमारे कबूतर। ऐसे ही ट्रेन होते हैं कबूतर, हल्का हल्का उड़ाते रहते हैं, फिर उड़ा उड़ा के उनको ऐसा गोली कर देते हैं। देखो भाई सारे के सारे दाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। अभी जब दाना खा लेना फिर उड़ाना, जब तक भाई मैं जूस पीता हूँ अपना। अबे ऊपर चले आएंगे, ऊपर जाके बैठ जाएंगे वो दीवार पे। चलो ट्राई करो। आ आ आ आ आ आ आ आ हमारे बड़े जो गोला कबूतर हैं वो बैठ जा रहे हैं, लेकिन ये वाले जो दो पट्टे हैं ये कहीं पे भी नहीं बैठ रहे, सीधा घूम के आ रहे हैं छत पे। आ आ आ आ आ भाई ये वाले कबूतर कहीं पर भी नहीं बैठ रहे, सीधा छत पे आ रहे हैं दोनों पट्टे। भाई शेराजी का और घाघरे का जोड़ा लग गया है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भाई पियर हो गए ये दोनों। अब मैं सोच रहा हूँ इसके भी पर खोल दूँ। उड़ा और उड़ा के साइड में नहीं जाना। आ आ आ अब इस तरह से कर रहे हैं ये, समझ लो ऐसे ही उड़ने लग जाएंगे। चले भाई अभी थोड़ा सा इनको रेस्ट दे देते हैं फिर उसके बाद उड़ाएंगे। तो गाइस देखें हमारी ये खुरपी गिर गई है, अब आप देखें आपका भाई टेक्निक से कैसे उठाता है ये। आ गई छपके में आ गई। तो गाइस देखो यार कितना गंदा पिंजरा हो रहा है, तो अभी मैं बिल्कुल इसको चमका दूंगा साफ सुथरा करके। हाँ इनकी सफाई फाई का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है ताकि ये बीमार ना पड़े। तो ये जैसे ही गंदा होता है ना पिंजरा, तो मैं इसको फटाफट इसको साफ करता हूँ भाई। कचरे की थैली गायब है, एक और कबूतर भी हमारा गायब है भाई। अच्छा हाँ वो तो इसमें, ये बंद करा हुआ भाई हमने। ये पड़ा हुआ दाना आके खा लो बच्चों, आओ। गाइस ये देखें हमारी टंकी पे कबूतर आके बैठा है, पट्ठा है कावली और एक वो जंगली आके उतरा हुआ है, उसको भी अभी पकड़ते हैं लेकिन पहले इसको देखते हैं। ये देखें ये बैठा हुआ ऊपर, अरीब साइड में हट जा। अरीब हमारा छप्पड़ में आके बैठ गया कोने पे। अभी गाइस हमने इनको ऊपर बिठा दिया है, वो खामोशी से इनको देख रहा है छप्पड़ में। वो आ गया, उतार कहाँ गया? अबे वो सामने आके बैठ गया भाई वहाँ पे। अब ये जहाँ पे बैठा है ना यहाँ से छत अच्छी नजर आएगी इसको। बीच में दाना खिला देखो, बीच में ऐसे गुच्छा मारो। आ आ आ आ ये हम लोग साइड में होगा, खामोशी से हमें दिख भी नहीं रहा है कि क्या कर रहा है वो। मैं इधर से जाता हूँ और देखता हूँ कि कर क्या है वो। असल में थोड़ा यूं नहीं नज़र आ रहा ना, उधर सूरज निकला हुआ है, ये बैठा हुआ। पानी रख फटाफट, इधर से पानी भर। अबे भर दे फटाफट, वो रही कुंडाली जंगली तो भागने की नहीं कर रहा है। बीच में रख, इस तरफ एक और कबूतर भाग रहा है भाई, लेकिन वो उस तरफ गया सीधा। खड़े हो के दिखाओ। हाँ ऐसे आ आ आ आ आ आ आ आ आ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पट्ठा है इतना समझे, लेकिन पट्ठे थोड़े सियाने भी होते हैं, डरते बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ना जल्दी नहीं आएगा इतनी आसानी से। चलो भाई अभी बैठे वेट करते हैं, देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं आता है। गाइस वो वाला जंगली तो बिल्कुल सियान बंद कर ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है उसकी अपनी छत है, इस वजह से अब हम उसको पकड़ेंगे ही नहीं। ये हमारा सब्सक्राइबर है, ये बहुत दिन से कह रहा था मुझे व्लॉग में ले लो, आज आपको ले लिया फाइनली व्लॉग में। कुछ कहना चाहोगे किसी को? नहीं। कुछ भी नहीं कहना चाहोगे?
भाई अभी काफी देर हो गई है बैठे 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 बैठे, इधर देख रहा है और आने की कर रहा है लेकिन आ रहा नहीं है। क्या करूं, एंड कर दूं? मेरे को नहीं रहा है वो, अभी भी चलो वेट करते हैं खामोशी से। ये बैठा हुआ भाई वो कबूतर। तो गाइस फाइनली बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और मगरिब की अजानें भी हो गई हैं। तो हाँ, वो जो सामने कबूतर बैठा हुआ था अचानक से उड़ा है, उड़ के जो गोली मार सीधा यूं गया, शूं ऐसा गया कि दूरबीन में भी नजर नहीं आया। फटाफट इन कबूतरों को करते हैं बंद और हमारा जंगली जो है ना सामने आके बैठ गया है भाई। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को कर दें लाइक एंड चैनल पे न्यू कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।